आप भाजी नगर से चुनाव जो समय प्रसाद मौर्य लड़ रहे हैं, उनको इलियास अंसारी ने धूल चटा दिया है। अभी तो वोट 3 तारीख को पड़ने वाला है, 3 तारीख के पहले स्वामी प्रसाद मौर्य जमीन पे धाराशाही हो गए। गोरखपुर मंडल में जनसैलाब को देखते हुए सारी पार्टियां धरी की धरी रह गई हैं। लेकिन सर, दलितों के अलावा दूसरा समाज वोट नहीं दे रहा। दलित के अलावा पिछड़े समाज कौन कह रहा है आपसे दलित वोट? कई लोग कह रहे हैं टीवी पर बैठ कर, दलित समाज ही वोट कर नहीं रहा है, पूरे पिछड़े समाज के वोट कर रहे हैं लोग। आप कैसे जानते हैं? ब्राह्मण समाज पिछड़ों के नेता तो कुछ बीजेपी में कुछ सपा में चले गए। अरे भाई, तो ये दल बदलू नेता है, उनकी बात क्या करते हैं? जो असली समाजवादी, असली समाजवाद को जो कहने वाला था वो तो मर गया। जो लोहिया जी थे समाजवाद के, वो मर गए। ये मुलायम सिंह, अखिलेश यादव जब से आए हैं, ये समाजवादी नहीं है, जातिवादी है। इसमें ये समाजवादी नहीं, जातिवादी है। असल समाज के कोई लेके चलने वाला है वो बहन कुमारी मायावती है, वो बहन कुमारी। सर, समाजवादी पार्टी में क्या दलितों का हित नहीं है? दलितों का हित होता तो 5 वर्ष गवर्नमेंट चलाई समाजवादी, दलित की कहीं नौकरी लगी? बेरोजगारी बढ़ी केवल दलितों की, नौकरी नहीं। पर आपको बता दें, ये 2012 में इनकी सरकार आई, ये आरक्षण में, दलितों के आरक्षण में प्रमोशन से ये डिमोशन कर दिए, यही तो इनकी सरकार चली, यही तो दलितों की। आपके नेता क्यों जा रहे हैं, दलित नेता वहाँ पर कह रहे हैं बहन जी मिशन से भटक गई है, मिशन। अरे कौन दलित नेता जा रहा है आप मुझे बताइए? बीर सिंह चले गए, अरे लाल जी वर्मा जी का जब पेट भर गया तो बीएसपी को छोड़ के चले गए। अब बहन जी उनको थोड़ो मना करेगी, बहुजन समाज थोड़ो मना करेगा कि आप क्यों जा रहे हैं। अरे वो आज मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसी बहुजन समाज पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य चलती रहती थी, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जब बहुजन समाज पार्टी को छोड़े बीजेपी में गए, बीजेपी से स्वार्थ पूरा हो गया तो समाजवादी में चले गए। यहाँ भाजी नगर से चुनाव जो स्वामी प्रसाद मौर्य लड़ रहे हैं, उनको इलियास अंसारी ने धूल चटा दिया है। अभी तो वोट 3 तारीख को पड़ने वाला है, 3 तारीख के पहले स्वामी प्रसाद मौर्य जमीन पे धाराशाही हो गए। स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं जो जो बहुजन समाज पार्टी से निकला है, गया है, उसको इस जमीन पे कहीं ठिकाना नहीं मिला। इस पार्टी में, उस पार्टी में भागते दौड़ करते धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, यही समाज, यही लोगों की करतूत इन नेताओं। स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं जिस पार्टी को मैं छोड़ता हूँ वो खत्म हो जाती है। अरे स्वामी प्रसाद मौर्य की क्या कुवत है, स्वामी प्रसाद मौर्य की क्या कुवत है कि वो जिस पार्टी को छोड़ते वो अपनी सीट बचा के तो देखे। स्वामी प्रसाद मौर्य मौर्य समाज, मौर्य समाज बहन जी के साथ है, सीमा कुशवाहा बहन जी के साथ है, एडवोकेट सीमा कुशवाहा बहन जी के साथ है, और इसलिए मौर्य समाज बहन जी के साथ है। स्वामी प्रसाद मौर्य अकेले अपने शरीर से भागे भागे फिर रहे हैं, यही बेटे का टिकट नहीं पाए। सर, इस बार जनता जो है वो जाति धर्म पे वोट करेगी या फिर काम पे वोट करेगी? काम पे, उत्तर प्रदेश की जनता बुद्धिमान जनता है, ये काम पे वोट करेगी। बहन कुमारी मायावती का काम सारे लोगों ने देखा है 2007 में, और उसी आधार पे 2022 में जनता वोट करने जा रही है। 5वीं बार बहन कुमारी मायावती को मुख्यमंत्री बनाने के लिए ये जनता उत्साहित है। हिंदू मुस्लिम पे वोट नहीं होगा? हिंदू मुस्लिम कहाँ चला इस बार? हिंदू मुस्लिम चला आपने देखा कहीं? कुछ लोग कह रहे हैं इससे भी इसकी लड़ाई है। मंदिर मस्जिद आपने देखा कहीं चला? हिंदुस्तान पाकिस्तान कहीं चला इस बार? ये सारे बीजेपी वालों को जो खेल है वो समाप्त हो गया है। बहन कुमारी मायावती 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने जा रही है जनता के सहयोग से। अखिलेश यादव कह रहे हैं चौथे चरण में जीत गए हम लोग। चौथे चरण में अखिलेश 3रे नंबर पे हैं। अच्छा, चौथे चरण में बहन कुमारी मायावती हाथी पहले नंबर पे है और अखिलेश 3रे नंबर पे है। दूसरे पे तो बीजेपी धक्का खाते हुए, धक्का मुक्की करते हुए दूसरे पे जा रही है। और कुछ आ रहा है? कह रहे बहन जी बीजेपी से मिल जाएंगी बाद में। बहन जी काहे को बीजेपी से मिल जाएंगी, पूर्व बहुमत की सरकार बनने जा रही है। ये महेंद्र प्रसाद चमार कह रहा है बहन जी पूर्व बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। आपको एक और बात बताने जा रहा हूँ,
स्वर्गीय साकिर अली का बेटा पथरदेवा विधानसभा से चुनाव लड़ रहा है, आज दो दो मंत्रियों को हराने जा रहा है। अच्छा, वो जाति का मुसलमान है और चमार उसके साथ है। 96,000 मुसलमानों का वोट है और 50,000 चमारों का वोट है, दोनों को मिला करके आज परवेज आलम दो दो मंत्रियों को पथरदेवा में हराने जा रहा है। ये देखिएगा इतिहास। तो सपा के साथ है। कौन? मुस्लिम बसपा के साथ है। मुस्लिम बसपा के साथ है, जहाँ उसका कैंडिडेट है उसके साथ है। माहौल, ये पूरे मंडल का माहौल, बहुजन समाज पार्टी एक एक विधानसभा में जीतने जा रही है जनता जनार्दन के सहयोग से। मीडिया मना कर रहे हैं, आप कह रहे हैं जीतने जा रही है। मीडिया तो भाई क्या करे, मीडिया इस बहुजन समाज पार्टी की मीडिया तो है नहीं, मीडिया तो ये केंद्र और राज्य की सरकार की है, और जो मीडिया है वो मेरे सामने खड़ी है जिससे मैं बात कर रहा हूँ। ये हमारी दुख सुख की बात ये मीडिया दिखाती है, हमारा क्या प्रॉब्लम है ये मीडिया दिखाती है, जनता का क्या प्रश्न है ये मीडिया दिखाती है। बाबा कह रहे हैं हमने काम किया, जनता हमें वोट देगी। बाबा तो जितना काम किए हैं वो जनता खुद ही बता रही है, बाबा बुलडोजर चला रहे हैं, यही काम किए हैं बाबा। ठीक है बाबा, ये बाबा बुलडोजर बाबा हैं। इनके सिर्फ बुलडोजर से सिवा जनता से मतलब नहीं है, ये बुलडोजर चलाते हैं। और बुलडोजर चलाते चलाते भाई साहब ये 2022 में फिर मंदिर में चले आएंगे, यही इनका काम है। अगर अतिक्रमण हटा रही है, अवैध कब्जे हटा रही है, तो गलत। अतिक्रमण ये सरकार कहाँ हटा रही है? अतिक्रमण तो बहुजन समाज पार्टी हटा रही थी। स्वच्छता, सुरक्षा, नौकरी, डॉक्टरी, सारी व्यवस्था तो बहुजन समाज पार्टी में समाहित था। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती करती थी। 2007 की सरकार आप लोगों ने देखा होगा। 2007 को लोग कह रहे सरेंडर कर दो, चुनाव भी नहीं। बहन जी सरेंडर करने वाली है, बहन जी पूजनीय है, बहन जी न्याय की देवी है, बहन जी कहाँ सरेंडर करती है? सरेंडर विपक्षी करता है। बहन जी के आगे घुटना टेक दिया है, बहन जी के आगे, बहन जी के जनसैलाब के आगे दूसरी पार्टियां समाजवादी बीजेपी घुटने के बल चल रही है। ये बहुजन समाज पार्टी का जनाधार देख करके सारी पार्टियां हताश पड़ी हुई हैं। ये बहुजन समाज पार्टी के जो नौजवान साथी आज आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, ये बहुत उत्साहित व्यक्ति हैं, ये बहुत जुझारू व्यक्ति हैं, ये आने वाले समय में इस भारत की तकदीर और तस्वीर को बदल देने वाली बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती कांसी राम साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की देन है। ये अम्बेडकर समाज के सारे लोग हैं, बहुजन समाज पार्टी के सारे लोग हैं। ये जो भी जनता आपको दिखाई दे रही है, बहन जी इस मंच से बोल रही हैं, आज जन सैलाब उमड़ गया है इस गोरखपुर मंडल में।